नमस्कार केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की। और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कुष्ठ रोग के प्रति समाज में फैली भ्रांतियां, भ्रम और भय को दूर करने के लिए विभिन्न जन जागृति गतिविधियां चलाई जाती हैं, ताकि कुष्ठ रोग इस देश में हमेशा के लिए सफाया किया जा सके। इसी तारतम्य में आज सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय ने स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का विधिवत शुभारंभ क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संभाग जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर भवन स्थापक आईएम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि एक गरिमामय कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर में नामी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सक्सेना एवं ICMR के डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी, सक्षम संस्था से डॉक्टर सिद्धार्थ ओसवाल, डॉक्टर लक्षकार जिला मरेलिया अधिकारी डॉक्टर राकेश पहाड़िया, जिला मीडिया अधिकारी श्री सजय कुरिल, उषा चौधरी, नवनीत कोठरे, रविशंकर कोस्टा, विकास श्रीवास्तव सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस कुष्ठ रोग जागरूकता पखवाड़े के दौरान जन जागृति फैलाने के लिए समुदाय स्तर पर विभिन्न ऐसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसमें नुक्कड़ नाटक, स्कूल रैली, नारे लेखन, वाल पेंटिंग, पंपलेट वितरण एवं पोस्टर के द्वारा समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, शासन के निर्देशानुसार हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग कुष्ठ निवारण पखवाड़ा दिनांक 30 जनवरी से 15 फरवरी तक मनाने जा रहे हैं। इस पखवाड़े के दौरान जो कुष्ठ रोग है, इस बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, विभिन्न साधनों से ये जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। उसमें पोस्टर हो सकते हैं, उसमें नुक्कड़ नाटक है, और हमारी आशा कार्यकर्ताओं को इस संबंध में अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाएगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि हम समाज के निचले स्तर तक जाकर इस रोग के बारे में लोगों को जानकारी दें, उसकी पहचान करें, और जो संभावित मरीज लग रहे हैं उन्हें हम अपने केंद्र तक लेकर आएँ, जिला अस्पताल तक भी लेकर आएँ, क्योंकि जिला अस्पताल में एक पूरी यूनिट इसके लिए काम कर रही है। बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है। कुष्ठ रोग के अंतर्गत हमारे यहाँ हमारे जो DLO हैं वो काफ़ी गंभीरता से इस दिशा में कार्य करते हैं, और जबलपुर अन्य केंद्रों में एक ऐसा केंद्र है जहाँ कुष्ठ रोग से संबंधित जो असामान्यता आ जाती है लोगों में, उसके लिए ऑपरेशन भी किए जाते हैं और निदान प्रदान किया जाता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो शूज़ हैं वो भी सेंटर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस रोग को जितनी जल्दी हो हमें सोसाइटी या समाज से अलग करना है और लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करनी है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक रेफरल सेंटर विगत लगभग 15 वर्षों से क्रियाशील है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन कुष्ठ रोगियों के रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के रूप में किए जाते हैं। ये जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत ये जो मरीज ऑपरेशन किए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आते हैं, और जबलपुर डिवीज़न, रीवा डिवीज़न और नर्मदापुरम डिवीज़न, इसके जो ज़िले हैं यहाँ से मरीज अपने यहाँ ज़्यादा आते हैं। अभी आज 30 जनवरी के जो गांधी जी का शहीद दिवस है, ये एक राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के अवसर पर विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में एक राज्य स्तरीय RCS शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जबलपुर के आसपास के लगभग 19 और 20 जिलों के लगभग 30 चयनित जो कुष्ठ रोगी हैं रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के लिए हमारे यहाँ आए हुए हैं। आज जो शिविर का पहला दिन था 30 जनवरी, यहाँ हमने 11 ऑपरेशन किए हुए हैं। इसमें हाथ के, पैर के और जो अन्य विकृतियाँ हैं उनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं, इसमें राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत इनको 8,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है। ये जो हमारा शिविर है, इसमें हमारे CMO महोदय श्री संजय मिश्रा जी का विशेष सहयोग है, और उनके निर्देश पर जो आसपास के जो ज़िले हैं उन्होंने अपने रोगी कुष्ठ रोगी चयनित करके भेजे हुए हैं, और राज्य स्तर पर हमारे राज्य कुष्ठ अधिकारी और जो हमारे राज्य स्तरीय कुष्ठ के अधिकारी गण हैं उनका भी इस शिविर के संचालन करने में विशेष सहयोग रहा है। और ये जो हमारे मरीज हैं,
ये जो RFT कहलाते हैं, RFT का मतलब इनने एक साल का जो अपना इलाज है वो कराया हुआ है, और उसके बाद किसी को पैर की विकृति है, किसी को हाथ की है, किसी को आँख की है, किसी को नाक की है, तो ये सारी जो विकृतियाँ हैं ये विक्टोरिया अस्पताल में शल्य क्रिया द्वारा सही की जाती हैं। ये जो मरीज़ हैं अभी हमारे पास 15 दिन तक रहेंगे, 15 दिन तक इनका पहले ऑपरेशन होगा, उसके बाद इनकी दवाइयाँ होंगी, और उसके बाद फिर एक महीने ये बाद में भी रहेंगे तब इनकी फिजियोथेरेपी की जाएगी। मैं डॉक्टर नवीन कोठारी हूँ और यहाँ पर जिला कुष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, और जो रेफरल सेंटर है उसमें ये जो कुष्ठ निवारण विकृति निवारण की जो सर्जरी है वो भी मेरे द्वारा ही संपादित की जाती है। ठीक, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।